सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी ए टी वी एंड इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ 164 एंड 167। सिर्फ 164 हमारा है वो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का है और 167 वैकेंसी का है। एंड ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट्स है उसको हमको एक बार देखने का है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड पर्टिकुलर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, इसके अराउंड 6 पेज के नोट्स है, जहाँ पे इंक्लूडिंग समरी, राइट, इंक्लूडिंग समरी की एंड में हम फटाफट इसको समरी से रिवाइज कर लेंगे। देन इसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे नोट्स को समझने के बाद हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन केस कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है उसको मार्क कर लेंगे। वैसे पहली कोशिश तो यही रहेगी कि सारी की सारी चीज़ें जो है इस नोट्स में पुट डाउन हो जाए, ताकि जो है एग्जाम टाइम में हमें क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े। सो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 164 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ ग्राउंड्स देके रखे हैं। सबसे पहले को ओवरव्यू की बात कर ले कि 164(1) बोलता है कि ग्राउंड्स, 164(1) बोलता है ग्राउंड्स, क्या डायरेक्ट है इन ग्राउंड पे तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। 164(2) बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी। पहला तो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरा ये है कि डिफॉल्ट कंपनी ने किया है तो भी तू डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा ऐसा। 164(3) ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी अपने एडिशनल ग्राउंड्स भी जो है पुट डाउन कर सकता है इस ग्राउंड के साथ साथ, पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, उधर ये प्रोहिबिटेड है। और प्राइवेट कंपनी में एडिशनल बोला है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगेंगे, ये तो सब भी लगेंगे, एडिशनल ग्राउंड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आती बात 167 की, ये 167 का ये पेज नहीं करना था ऐड, खैर इसको हटा देते हैं। 167 की बात आती है तो 167 में वैकेशन की बात आती है। वैकेशन में भी यही है कि जब आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो आप वैकेट कर दोगे अपने ऑफिस को, तो ये वैकेंसी की बात कर रहे हैं। 167(1) में वैकेंसी के ग्राउंड्स है जो हम पढ़ेंगे, जो 164 से ही कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ जो है हमारा 164(2) 167(2) है वो कॉन्ट्रावेंशन है कि 167 का कॉन्ट्रावेंशन करा तो क्या होगा। 167(3) ये बोलता है कि कंसिक्वेंस ऑफ वैकेशन, वैकेशन हो गया अब क्या, वैकेशन हो गया अब क्या करेंगे। देन 167(4) होता है कि प्राइवेट कंपनी अपने एडिशनल ग्राउंड्स वैकेशन के बता सकती है। सो 167 में 4 सबसेक्शन है, 164 में 3 सबसेक्शन है। हुए हैं अपनी अपने 2.5 मिनट, अब हम जो है बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। पहला, पर्सन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, बाद में भले साउंड हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करा है तब डिस्क्वालिफाइड। दूसरी बात आती है कि दूसरा पॉइंट है हमारा, पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड बट नॉट डिस्चार्ज, पर्सन डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट बट डिस्चार्ज नहीं हुआ तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। पर्सन अप्लाइड टू एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, इधर डिक्लेयर की बात नहीं करी है, एक तो हो गया कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया पर डिस्चार्ज नहीं हुआ, एक है कि पर्सन खुद ही एप्लीकेशन दे रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो और एप्लीकेशन पेंडिंग है। पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट में बोला है एनी कोर्ट, फॉरन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 6 मंथ है एंड 5 ईयर नॉट इलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब कि एक्सपायरी से देखा जाएगा 5 साल, ठीक है, एक्सपायरी से देखा जाएगा 5 साल, कन्विक्शन से नहीं देखा जाएगा, तो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड है। यही जब इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स इधर 7 साल नहीं लिखना था, महीने नहीं लिखना था, 7 ईयर्स, जब इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 7 ईयर्स है तो ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है लाइफ टाइम का, अदरवाइज 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 5 साल का ही है, लाइफ टाइम का नहीं है। अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, कल को आपने अपील भी कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील। फिर बाकी, पर्सन अगेंस्ट हुम कोर्ट पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, तो कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील करी हो नहीं करी हो, डिस्क्वालिफाइड है। पर्सन हु हैज़ नॉट पेड द कॉल्स, कॉल्स नॉट पेड एंड 6 मंथ्स इलैप्स फ्रॉम द लास्ट डे जो कॉल का था उससे 6 महीने इलैप्स हो गए हैं, आपने कॉल से पे नहीं करा, ठीक है। जब शेयर्स की बात आती है, जॉइंट शेयर होल्डिंग है तो जॉइंट शेयर होल्डिंग में तो बहुत ही लाइबल हो जाएंगे अगर कॉल्स पे नहीं करे तो। पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड नहीं, इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो डिस्क्वालिफिकेशन इधर भी 5 साल का है। अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट है तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ अपील, जहाँ भी कन्विक्टेड बाय कोर्ट आए इज रिस्पेक्टिव ऑफ अपील बोल देने का अपने को। पर्सन जिसे डीन अलॉट नहीं हुआ, पर्सन हुज डायरेक्टरशिप अगर ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब लिमिट है, जिसमें वो अपनी 20 कंपनीज और जिसमें 10 पब्लिक कंपनीज होनी चाहिए, तो पर्सन जिसकी डायरेक्टरशिप इज मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट। तो
अब कोर्ट की बात करें तो इसमें कोर्ट की बहुत सारी चीज़ें, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा, तो 5 साल, 7 साल या उससे ज़्यादा तो लाइफ टाइम, ये कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस। फिर आती बात, कोर्ट ने कन्विक्ट तो नहीं किया पर इधर डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया। फिर तीसरा है कि कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, नहीं फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इन सब केस में आपने भले ही अपील करी हो, डिस्क्वालिफिकेशन तो है। आती बात 164(2) की, 164(2) में डिस्क्वालिफिकेशन बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी, कंपनी ने डिफॉल्ट करा है फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन है। पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन डायरेक्टर ऑफ कंपनी, पर्सन जो है, हु इज़ जो डायरेक्टर है, ठीक है, सच डायरेक्टरशिप एग्जिस्ट, वो एट द टाइम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर है, पर्सन शुड बी डायरेक्टर एट द डिस्क्वालिफिकेशन टाइम, ठीक है। पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वो इज डिस्क्वालिफाइड टू रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है टू रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, उस कंपनी में वापस रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। मतलब अपॉइंट है तो उसको हटाएंगे नहीं, रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, और अपॉइंट इन अदर कंपनीज, तो रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, अपॉइंट इन अदर कंपनी, तो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, जिस कंपनी में डिफॉल्ट करा है, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट करा है उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, और उस कंपनी के अलावा अदर कंपनीज में अपॉइंट नहीं हो पाएंगे फॉर 5 ईयर्स। अगर इफ़ कंपनी, जिस कंपनी में ये डायरेक्टर है, तो कंपनी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे फॉर 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे। दूसरा, कंपनी फेल्ड टू रीपे, टू रिडीम, टू पे, टू रीपे डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, रिडीम डिबेंचर विद इंटरेस्ट, और पे डिविडेंड, जो डिक्लेयर्ड था वो पे नहीं करा, ठीक है। इसमें लोन की बात नहीं आती है। अगर आपने रीपे डिपॉजिट बोला है, आपने डिपॉजिट्स को रीपे नहीं किया है विद इंटरेस्ट, डिबेंचर को रिडीम नहीं किया विद इंटरेस्ट, जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड था उसका आपने पे नहीं करा विद इंटरेस्ट की तो बात नहीं आएगी, डिविडेंड आपने पे नहीं करा, और सच फेलियर कंटिन्यूज फॉर मोर देन इक्वल टू 1 ईयर, तो ऐसे केस में जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। नोट करना, इसमें लोन नहीं आता है। तो कल को कंपनी फेलियर टू पे लोन, लोन रिपे करने में फेल हो गई है, तो इधर डिपॉजिट कवर है, लोन कवर नहीं है, ठीक है, तो उसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। फर्दर पॉइंट जो 164(2) के हमको समझना चाहिए कि 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन मेड गुड आफ्टर, अच्छा मेड गुड आफ्टर, ओके 164 डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है कि 164 का डिस्क्वालिफिकेशन भले ही हमने बाद में ठीक कर लिया हो, मतलब कि हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न बाद में फाइल कर दिए हो, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन स्टिल एग्जिस्ट, डिस्क्वालिफिकेशन तो तब भी रहेगा। सेकेंड, ऑडिटर अंडर 143(3)(g) स्टेट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164(2), जो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है ना 164(2) में, ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट में 143(3)(g) में बताएगा कि ये डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। 164(2) नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, वो भी अच्छी गवर्नमेंट कंपनी। अभी अपन समझते हैं अच्छी गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी अगर ये डिफॉल्ट करे ना फिर भी उसका डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे। अच्छी गवर्नमेंट कंपनी मतलब कि अच्छी गवर्नमेंट कंपनी इन द सेंस कि उसने डिफॉल्ट नहीं किया इन फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। थर्ड सबसेक्शन आता है कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स कैन बी प्रिस्क्राइब, प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये है हमारा 164 का थ्रू टू, हमने 164 का 1 पढ़ लिया, हमने 164 का 2 पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं 164 का 3, जिसमें प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे एज हो सकता है, और हम बोल सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, होल्डिंग शेयर्स, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है, 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ, तो किसी दूसरी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता, और जिस कंपनी में जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मींस पर्सन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन दैट कंपनी, उस कंपनी में वो डायरेक्टर जैसे कंटिन्यू तो रहेगा पर वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, और डिस्क्वालिफाइड इन अदर कंपनी, अदर कंपनी में वो तो कंटिन्यू भी नहीं कर सकता, अदर कंपनी में तो उसको वैसे के वैसे ही हटना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला, दैट कंपनी में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, और अदर कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता। मीन्स वो अपॉइंट नहीं हो सकता मतलब कि वो एट द टाइम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भगा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो गया होगा, तो ऐसे केस में उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, इसलिए हम 167 पढ़ेंगे। तो 167 में भी देखना, अगर आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि 167 में भी यही बोला है कि जो डिफॉल्टिंग कंपनी है ना उसमें वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो वो कंटिन्यू रहेगा एज एन ऑडिटर, एज अ डायरेक्टर,
बट जो अदर कंपनी है ना उसमें तो वैकेंसी इप्सो फैक्टो मतलब उसी वक्त हो जाएगी वैकेंसी, तो अदर कंपनी में वैकेंसी हो जाएगी पर उस जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें वैकेंसी नहीं होगी। बट हाँ वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, अभी हम पढ़ेंगे। आती बात 167 की, तो वैकेंसी ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, वैकेंसी ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, ठीक है। अब वैकेंसी ऑफ ऑफिस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि व्हेन पर्सन इंकर डिस्क्वालिफिकेशन, जब डिस्क्वालिफिकेशन इंकर होता है 164 वन में, टू में, थ्री में, जो भी है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब नोट करना कि जब 164 टू का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो ऑल डायरेक्टर ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी, डिफॉल्टिंग कंपनी के सारे डायरेक्टर जो है गॉट डिस्क्वालिफाइड, डिफॉल्टिंग कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। किससे डिस्क्वालिफाइड होते हैं? फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी, उस कंपनी में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते पर कंटिन्यू तो रहेंगे, और अदर कंपनी में वो तो अपॉइंट ही नहीं हो सकते, ठीक है। साथ ही साथ इसको 167 के साथ पढ़ो आप, तो 167 ये बोलता है कि इफ़ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड 164(2) के अंदर अगर डिस्क्वालिफाइड होता है उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा इन ऑल अदर कंपनी, उस कंपनी में तो हो ही नहीं सकता, उस कंपनी में वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, तो अदर कंपनी में वो वेकेट हो जाएगा, अदर कंपनीज में वो वेकेट हो जाएगा, ठीक है। पर उस कंपनी में वो वेकेट नहीं होगा क्योंकि 164(2) की बात करें तो उस कंपनी में वो रीअपॉइंटमेंट के केस में डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। पर अपॉइंटमेंट तो रहेगा, चलता हुआ पर्सन को हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो इफ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सेक्शन 2, हिज ऑफिस गॉट वेकेट इन ऑल अदर कंपनीज बट वैकेंसी नहीं इन डिफॉल्टिंग कंपनी, वैकेंसी नहीं है उन डिफॉल्टिंग कंपनी में। फिर पर्सन एबसेंट इन ऑल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग 12 मंथ, 12 महीने में वही जब वैकेंसी क्रिएट हुई 12 महीने के अंदर जो भी बोर्ड मीटिंग है अगर अटेंड नहीं करा है तो वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब मीटिंग अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है इसका मतलब एबसेंट नहीं होता, उसको प्रेजेंस ही मानते हैं। और अगर चलो ठीक है मैंने परमिशन लेके मैं लीव पे गया हूँ इसका मत तो भी ये एबसेंट ही माना जाएगा, तो ग्रांटिंग लीव ऑल्सो टर्म्ड एज एबसेंट। फिर आती है बात कि पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया है 184 का, वो एंटर हुआ है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में जहाँ पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड था। अगला, पर्सन फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, आप एंटर हुए तो भी आप कन्विक्टेड हो तो भी आप वेकेट करना पड़ जाएगा। अगर आप एंटर्ड थे और अगर आपने फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा तो भी आप जो है डिस्क्वालीफाइड, सॉरी फिर भी आपको वेकेट करना पड़ जाएगा। वेन अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, फिर वही पॉइंट आ जाते हैं कि वेन अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 6 मंथ है तो वेकेट हो जाएगा। पर्सन रिमूव्ड, अगर पर्सन को रिमूव करा गया है 169 के तहत, जैसे जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है साथ ही साथ 169 के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ता है तो भी वेकेट करना पड़ेगा। फिर ये दो पॉइंट नए हैं कि पर्सन अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है कंपनी में एज अ डायरेक्टर क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, वो ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट होल्ड करता है कहाँ पे, इन एश, ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट होल्ड करता है इन एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडियरी में, कंपनी की एसोसिएट में, कंपनी की होल्डिंग में वो होल्ड करता है कोई सा ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ डेट ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट उसको अपॉइंट करा है एज अ डायरेक्टर बट सीज टू होल्ड ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, अब वो उधर ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट होल्ड ही नहीं कर सकता, कर रहा, जैसे केस में वेकेट हो जाएगा। फिर फर्दर पॉइंट्स है कि जो वैकेंसी है वो वैकेंसी इप्सो फैक्टो होती है, जो वैकेंसी है वो वैकेंसी इप्सो फैक्टो की जैसे वैकेंसी अट्रैक्ट हुई वैसे लग जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं दी जाती है, वैकेंसी करने के लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, वो कोई भी ग्राउंड को वेव नहीं कर सकते, ठीक है। एडिशनल ग्राउंड प्राइवेट कंपनी पुट कर सकती है पर कोई से भी ग्राउंड को वेव नहीं कर सकते, कोई सा रिजोल्यूशन स्पेसिफिक इस पर पास नहीं होता कि वैकेंसी करनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। हाउएवर कुछ सर्कमस्टेंस है जहाँ पे वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, वो सर्कमस्टेंस ये है जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट ऑर्डर, जब कोर्ट ऑर्डर से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, या कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 6 मंथ है, ये जो ई और डी वाला ई और एफ वाला जो पॉइंट है इधर हमको समझना पड़ेगा। इधर क्या है कि सबसे पहले रुका जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आया 30 दिन तक, आपने अपील करी, अपील 30 दिन में, अच्छा करी क्या कि नहीं करी, नहीं करी है तो पहले 30 दिन तक वैकेंसी नहीं है, उसके बाद से वैकेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी। अपील करी है तो अपील डिस्पोज होगी, ठीक है, डिस्पोज होने के 7 दिन तक जो है 7 दिन तक वैकेंसी नहीं होगी। अब 7 दिन में क्या फर्दर अपील करी क्या,
अच्छा फर्दर अपील करी, ठीक है, तो डिस्पोजल, तो डिस्पोजल तक है। अब इधर डिस्पोजल हो 7 दिन मत देखना, इधर फर्दर अपील में सिर्फ डिस्पोजल तक है। 167 का कॉन्ट्रावेंशन है, 167 का कॉन्ट्रावेंशन है, 167(2) का कॉन्ट्रावेंशन है, जो भी हो आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो गिल्टी हो, कॉन्ट्रावेंशन है तो इम्प्रिजनमेंट 1 साल का है, फाइन 1 लाख से 5 लाख तक का है। साथ ही साथ कंसिक्वेंस ऑफ वेकेशन 164(3), ये 164(2) अपन ने देख लिया, कॉन्ट्रावेंशन 167, 167(3) बोलता है कंसिक्वेंस ऑफ वेकेशन, जो वेकेशन अराइज होता है, सपोज करो सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड थे तो सारे के सारे डायरेक्टर वेकेट हो गए। अब सारे के सारे डायरेक्टर वेकेट हो गए तब प्रमोटर अपॉइंट करेगा बेयर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है, और अगर प्रमोटर एबसेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, उनका टेन्योर होगा टिल नेक्स्ट जनरल मीटिंग, ठीक है। ऑल सच डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट जनरल मीटिंग। 167(4) क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है एडिशनल ग्राउंड को भी जो है वेकेशन में बता सकती है, एडिशनल ग्राउंड ऑफ वेकेशन भी बता सकती है। अब जो है अब हम समरी करेंगे, और समरी से जो है हम समझ लेंगे कि किस तरीके से हम इस 167 को फटाफट तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। सो अब अपन देखते हैं कि देखो ये समरी है हमारी, ठीक है, राइट। समरी में 167(1), 2 और 167(1) के बारे में बात करिए। 164(1) और 2 बोला है, और थर्ड में तो वैसे भी हमको पता है कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकता है, यही था। 167 में 4 थे पॉइंट्स, तो 167(1) में हमारा जो हमारे वैकेंसी के ग्राउंड थे। 2 में हमने ये पढ़ा था कि भैया आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो जो पर्सन है, जो डायरेक्टर है जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया है कि वैकेंसी थी फिर भी वो अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर, फिर भी वो डायरेक्टर जैसा वर्क कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रावेंशन था। 167(3) में हमने ये पढ़ा था कि यार कंसिक्वेंस ऑफ वैकेंसी क्या होगा, और साथ ही साथ हमने 167(4) में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के वैकेंसी में वो एडिशनल ग्राउंड्स वैकेंसी के बता सकती है, ठीक है। अब हम जो है समरी देखते हैं। सबसे पहले 167(4)(1) में अनसाउंड माइंड, पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का होता है डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट तो ठीक है वो डिस्क्वालीफाइड है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है डिक्लेयर्ड बट नॉट डिस्चार्ज तो वो डिस्क्वालीफाइड है। अप्लाइड इंसॉल्वेंट, पर्सन जिसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए और इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। पर्सन कोर्ट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 6 मंथ, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट मोर देन इक्वल टू 6 मंथ है तो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए है, और मोर देन इक्वल टू 7 ईयर है तो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए है। फिर पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है। पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड तो नहीं है, ऑफेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो वही है कि पर्सन जो है ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, फॉरन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फिर आपने कॉल्स पे नहीं करे हैं तो कॉल्स नहीं पे करे हैं लास्ट डे से 6 महीने तक। साथ ही साथ डिन अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, और डायरेक्टरशिप अगर आपकी मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट है, ओके, तो ये आपकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। 164(2) में डिफॉल्टिंग कंपनी के ऊपर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अगर आपने थ्री कंटिन्यूस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने फाइल नहीं करे, साथ ही साथ 3D डिपॉजिट डिवेंचर और डिविडेंड अगर आपने पे नहीं करा है, ठीक है, अगर आपने पे नहीं करा है और सच फेलियर कंटिन्यूस मोर देन इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फर्दर पॉइंट्स अपन पढ़ चुके थे कि डायरेक्ट ऑडिटर को 143(3)(g) में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट, और ये गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता है, अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता है 164(2). साथ ही साथ 167(4)(3) प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स को बता सकती है। फिर आती है 167 की बात। 167 में वैकेंसी के कुछ प्रोविजंस थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि पर्सन अगर इंकर करता है 164 का डिस्क्वालिफिकेशन 164(1), 2, 3 में कोई सा भी डिस्क्वालिफिकेशन इंकर करता है वैकेंसी करनी पड़ेगी, और 164(2) में अपने को पता है कि वैकेंसी सारी अदर कंपनीज में हो जाएगी पर उस कंपनी में नहीं होगी। फिर बोर्ड मीटिंग में एब्सेंस है, ठीक है, पर्सन एब्सेंट इन ऑल बोर्ड मीटिंग इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, ठीक है, इन ड्यूरिंग 12 मंथ अगर आपने बोर्ड मीटिंग में आप प्रेजेंट नहीं थे तो। फिर 184 में पर्सन जो है 184 में जो है एंटर हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन क्या है 184 का, क्योंकि वो एंटर हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में जिसमें उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड था। फिर हमारा डी वाला पोर्शन आया कि इसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट उसमें जिसमें उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट था। ई सेम है, ई सेम इन द सेंस कि इधर भी जो ई है कि कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, इधर भी यही था कि कोर्ट ने जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है तो ऐसे केस में वैकेंसी है। एफ में बोला है सेम एस डी, एफ में सेम एस डी मतलब कि
कोर्ट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. तो कोर्ट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कोर्ट कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इंप्रिजनमेंट जो है 6 महीने या उससे ज़्यादा है. फिर रिमूवल 169, ठीक है, अगर पर्सन को रिमूव किया है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और कम, ठीक है, साथ ही साथ कंप्लाई करना पड़ेगा 169 की प्रोविजन. तो अगर पर्सन रिमूव है अंडर सेक्शन 169 तो वैकेंसी है. साथ ही साथ डायरेक्टर बाय वर्च्यू, अब डायरेक्टर बाय वर्च्यू तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट इन एश एसोसिएट सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, तो वो इस कंपनी में वो वेकेट हो जाएगा. ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट इन एश सीज टू होल्ड ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट, तो सीज टू होल्ड ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट. सो इस तरीके से जो है हमने 164 और 167 को हमने फटाफट रिवाइज कर लिया है. 167 हमने 1 पढ़ लिया है, 2 में तो हमको पता ही है कि 2 में कॉन्ट्रावेंशन है इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, साथ ही साथ जो फाइन है वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक है. 167(3) में क्या बोल के रखा है, कंसिक्वेंस ऑफ वैकेंसी, सारे डायरेक्टर अगर वैकेंट हो जाएंगे तो ऐसे केस में प्रमोटर जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, अदरवाइज प्रमोटर एब्सेंट है तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा जिनका टेन्योर नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक रहेगा. साथ ही साथ 167(4) क्या बोल रहा है कि ऑल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट AGM. 167(4) भी ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड ऑफ वैकेंसी बता सकती है. सो इस तरीके से जो है हमने हमारा 164 एंड 167 को प्रॉपरली एंड अच्छे तरीके से कर लिया है. अब इसके बेसिस पे हम जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.